जय हिंद। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ है 15/12/2017 में मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में, यानी फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में। उन्हीं क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा गया। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करने से होगा ये कि जो मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, किस विटामिन में मेंटल कंपोनेंट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में मेंटल कंपोनेंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग में सभा के लिए किसलिए बुलाई गई थी? जालियांवाला बाग जो सभा है वो किसलिए बुलाई गई थी? तो जालियांवाला बाग जो बुलाया रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए सभा बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन ओलंपिक मेडल विनर फ्रॉम इंडिया कौन है? तो फर्स्ट वुमेन ओलंपिक मेडल विनर है करणम मलेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किस जिले में है? तो भीमबेटका रायसेन जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल साइंस डे किस साइंटिस्ट के लिए मनाया जाता है? तो नेशनल साइंस डे सर सीवी रमन के लिए मनाया जाता है, ये एक साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटनी जिला बनाने से पहले किस जिला का हिस्सा था? तो कटनी जिला बनाने से पहले ये जबलपुर का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमा भारती के बाद कौन मुख्यमंत्री बना? तो उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आगरा मालवा में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन तो दो है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है या ए भी। मेरे हिसाब से ऑप्शन छोटी कली सिंध, ये ऑप्शन इसका आंसर सही होना चाहिए। दुर्गीय खालोच, ये आंसर शायद मेरे ख्याल में रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला डिस्ट्रिक्ट आइलैंड कौन सा था? तो पहला डिस्ट्रिक्ट आइसलैंड था मजुली असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज के लेखक हैं RK नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश कितने दिनों के लिए मान्य रहता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश कुल 6 महीनों के लिए मान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा नहीं है? यह पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमपी में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो एमपी में कुल 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उर्वरक संस्थान कहां है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छतरपुर में कोई धनुष मंदिर का नाम क्या था, ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना कब मनाया जाता है, ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया था कि प्याली नदी कहाँ है, ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 5000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 है, तो ब्याज की दर बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? तो यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालगुडी डेज बुक किसने लिखी है? तो ये RK नारायण ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीकट्टू किस स्टेट से संबंधित है? तो जलीकट्टू तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीला अंबर है जिसका जिनका वो है भगवान विष्णु जी, तो पीताम्बर एक बहुप्रिय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है कि नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण क्या होगा, ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि छंद का उदाहरण क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभक्त रस का उदाहरण क्या होगा, ये बताना है आपको मेरे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गूलर का फूल तोड़ने का अर्थ क्या होगा, ये बताना है आपको। कुछ क्वेश्चन व्याकरण से संबंधित पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाव कितने प्रकार के होते हैं,
ये पूछा गया था। तो दोस्तों ये थे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए। अब हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भोगरिया उत्सव कहां मनाया जाता है, तो भोगरिया उत्सव अमेरिका में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कौन जीता, तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवास विकास दिवस कब मनाया जाता है, तो आवास विकास दिवस अक्टूबर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहली ईवीएम मशीन कब शुरू हुई, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई, तो ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी शब्द कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो समाजवादी शब्द 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झाबुआ में कौन सी नदी बहती है, तो झाबुआ में माही नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल की पहली महिला शासिका कौन थी, तो भोपाल की पहली महिला शासिका थी कुदसिया बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, तो अरब सागर की रानी कोची को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो संयुक्त राष्ट्र की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास सम्मान पुरस्कार किसमें नहीं दिया जाता है, तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू हुई, तो ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला द्वीप जिला कौन सा है, तो सबसे पहला द्वीप जिला है माजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषक बीमा योजना के कार्य, ये बताना है आपको मेरे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के जो रूल होते हैं वो खत्म होते हैं कितने दिनों में खत्म होते हैं, ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMTP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो SMTP का फुल फॉर्म होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWW का फुल फॉर्म क्या होगा, तो WWW का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि MS वर्ड में कॉलम एंड रॉ से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट पूछा गया था कि पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+V। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई साइट पर डायरेक्ट जाने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो कोई साइट पर जाने के लिए URL को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कंप्यूटर को हानि नहीं पहुंचाती है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तामुमिक का विलोम शब्द क्या होगा, ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, जिसको कोई चीज से भय ना हो उसको क्या कहेंगे, ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में पंचायतों का सबसे ज्यादा परसेंट किस जिले में है, तो ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि SMS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो SMS का फुल फॉर्म होगा शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट देखते हैं, टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है, तो टेम्परेरी मेमोरी है रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS Office वर्ड में इनमें से कौन सा सही नहीं रहता है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज गणना करने के लिए कौन सा कंप्यूटर होता है, तो सबसे तेज गणना करने के लिए सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि एजुकेशन पोर्टल में URL के लिए क्या यूज किया जाता है, तो एजुकेशन पोर्टल में URL के लिए EDU को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानदूत योजना किस प्रदेश की, तो ज्ञानदूत योजना मध्य प्रदेश की है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन में जरूर क्लिक करें। बेल आइकॉन में क्लिक करने से होगा ये कि जो मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।